शहडोल में एक छात्रा के साथ में गैंगरेप हुआ था। पहले आरोपी गिरफ्तार किए गए, उन पर इनाम का ऐलान भी हुआ था और अब अपडेट ये कि उनके घर पर बुलडोजर चल गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 5 आरोपियों के घर पर एक साथ एक्शन हुआ। कोतवाली थाने के कल्याणपुर में कार्रवाई की गई। कल्याणपुर के जंगल में छात्रा को ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया था। वो अपने किसी साथी से वहां खड़े होकर बात कर रही थी और तभी उसे जंगल के भीतर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप हुआ था। आरोपियों पर इनाम का ऐलान किया था पुलिस ने। 5 आरोपी पकड़ में आ गए और अब उनके घर पर बुलडोजर चलाए। कोतवाली थाने कल्याणपुर में कार्रवाई की गई। 5 आरोपी के घर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोतवाली थाने के कल्याणपुर में। पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस वारदात के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश था। चुनाव के समय भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये कैसे हुआ, इस पर सवाल भी उठे थे, लेकिन अब पुलिस ने एक्शन दिखाया। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए और सभी के घर पर बुलडोजर चलाए। और निर्मल जायसवाल सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। निर्मल, ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के कैसे प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और 5 आरोपी के घर पर ये कार्रवाई की। बताएं जरा, इसका पूरा अपडेट दें। इस घटना के बाद से लेकर अब तक पुलिस के ऊपर सवाल भी थे, लेकिन ताबड़तोड़ कार्रवाई भी है। गैंग रेप होता है और उस नाबालिग लड़के को जंगल में ले जाके 5 युवकों ने दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने हालांकि इस मामले में सख्ती बरतते हुए 5 आरोपियों को अलग अलग क्षेत्रों से रीवा और पाली के जंगल से उनको गिरफ्तार किया है और वहीं एडीजीपी डीसी सागर ने इनके आरोपियों के खिलाफ 30,000 रुपए का इनाम भी घोषणा की थी। ये लाइव तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो लाइव तस्वीरें हैं और आरोपियों के घर अब ध्वस्त किए जा रहे हैं। ये एसआर निधि गुप्ता है, जो आरोपी थे उनके घर को ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। हालांकि परिजनों ने इनका विरोध भी किया गया था, लेकिन राजस्व विभाग का कहना है कि ये जो मकान है अवैध रूप से बनाए गए थे, इसलिए इस पर कार्रवाई की जा रही है। जी, तो लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी ने बताया कि वहां 5 आरोपियों के घर बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम पहुंची और जितना अवैध निर्माण था उस सबको ध्वस्त कर दिया। दरअसल ये एक छात्रा से गैंगरेप के आरोपी हैं, जिनको गिरफ्तार करने के बाद, जिनको पकड़ने के बाद अब उनके घरों पर यह एक्शन हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। छात्रा से गैंगरेप हुआ था और अब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके घरों पर बुलडोजर चला है। बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन की टीम मौजूद है। निर्मल, ये तस्वीरें दर्शकों को आपने भी लाइव दिखाई, हम दर्शकों को बता रहे हैं, आप बताएं, ये पूरा प्रकरण सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश था। एक सवाल ये भी था कि जब चुनाव के समय इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी है, हर जगह चेकिंग है, फिर ऐसी वारदात कैसे हुई, इस बात को लेकर गुस्सा था। घटनाएं जो आ रही हैं और इसमें जो 5 आरोपी हैं, इसमें से कुछ अद्यतन कई मामले उनके खिलाफ दर्ज है, जिसमें अब उसके खिलाफ उसका भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो कुछ आरोपी थे उनमें जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया था कलेक्टर के समक्ष और उस विचार किया जा रहा है। हालांकि अब जो कार्रवाई होगी रासुका की, वो देखने वाली बात होगी। चलिए निर्मल, धन्यवाद आपका, जो आपने हमको वहां से लाइव तस्वीरें दिखाई। फिलहाल लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश था। निर्मल बता रहे हैं कि वहां जिला बदर जैसी कार्रवाई इन पर की जाएगी। इसके पहले भी इस पूरे इलाके में सुरक्षा को लेकर के कुछ सवाल उठे हैं, लेकिन अब इस मामले में सख्त एक्शन पुलिस ने लिया है। कोतवाली थाने के कल्याणपुर में जहां ये वारदात हुई थी, वहां आरोपियों के घरों को तोड़ा गया है।